सैडम तालुका में मुख्तलिफ मिली व समाजी व सियासी तंजीमों व पार्टी है जिनमें ऑल इंडिया मिली कौंसिल शाख सैडम, दलित मिनोरिटी सेना, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सैडम, हालिया दिनों रियासत त्रिपुरा में मुस्लिम कश फसादात और मलऊन वसीम रजवी और नरसिम्हानंद सरस्वती की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और बदबख्ताना बयान के खिलाफ एक अर्जदाश्त असिस्टेंट कमिश्नर सैडम को दी गई। इस मौके पर ऑल इंडिया मिली कौंसिल शाख सैडम के सदर अजीज अहमद खान, मोहम्मद मकबूल अफजल खान, अजीज खान, इकबाल जावेद नरवी, सैयद महमूद हाफिज, सैयद शहाबुद्दीन मोहम्मद गौस, अब्दुल रहमान, दलित मिनोरिटी सेना के यूथ सदर अफजल सैयद नरनवी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सैडम सदर अब्दुल कादर, सैयद हाफिज, मोइज़ शाह साबिर और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर सदू ने गुफ्तगू की, आइए सुनते हैं इस जिमन में उनका क्या कहना है। आज हम यहाँ की नियमों की पाबंदी करते हुए मिनिमम अपराध यहाँ जमा होकर जो है एक मेमोरेंडम एसी ऑफिस में जो है एसी मैडम को जो है पेश किया गया है। इसका मकसद ये है कि जो है कई दिनों से वसीम रजवी और नरसिम्हानंद जो ये दोनों मिलकर जो है देश में नफरत फैलाने का जो काम कर रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग जो है एहतजाज करने के लिए यहाँ पर आए हैं और मेमोरेंडम पेश किए हैं। होना तो ये था कि क्योंकि कोविड चल रहा है, कोविड के चलते हम लोग जो है लोगों की भीड़ को जमा करने से हम एराज किए हैं, एतराज किए हैं, वरना जो है यहाँ पर भी जो है लोगों की भीड़ जमा कर सकते थे, पर कोविड के नियमों को जो है देखते हुए इसको जो है रोका गया है। तो हमारी हुकूमत से, स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि वसीम रजवी को जल्द से अरेस्ट किया जाए और उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। और दूसरा जो है त्रिपुरा में जो राइड्स हुए हैं हाल ही दिनों में, कुछ दिनों के पिछले जो है राइड्स हुए हैं उसके खिलाफ भी जो है हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम जो है हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि ऐसे राइड्स कहीं भी हमारे देश भर में ना हो, कहीं भी जो है मिली जुली जो हमारी संस्कृति है उसको जो है बरकरार रखते हुए हमारे देश की जो है अर्थव्यवस्था चलती रहे। ये बताइए कि किन किन तंजीमों ने ये एहतजाज को मुनज़िम करने में आपका ताउन किया? अभी तो हम ऑल इंडिया मिली कौंसिल शाख सैडम की जानिब से और दलित मिनोरिटी जो है सेल जो है उसकी जानिब से और फिर ए आई एम आई एम उस जो है सियासी पार्टी की जानिब से भी जो है हम तीनों ने मिलकर जो है मुनज़िम किया है। तो हमारे जावेद भाई से बात की आज के जो हालात हैं मजहबी निफाक पैदा करते हुए आपस में फूट डालते हुए आपस में दुश्मनी पैदा की जा रही है, खुसूसन मुस्लिम माइनॉरिटीज पे इसका काफ़ी असर हो रहा है। लिहाजा ऐसी चीज़ों को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से रोका जाए और जो हजरात इस इंसिडेंट में अफेक्टेड हुए हैं उनके फैमिलीज को रिलीफ फंड दिया जाए और जो मसाजिद जिनको शहीद किया गया या उन्हें नुकसान पहुंचाया गया उन्हें दोबारा जो है मरम्मत की जाए ये हमारे डिमांड है। लिहाजा मैं करते हुए अपनी बात करूँगा के जरिए इंशाल्लाह दोबारा अपना कर रहा हूँ। मैं तालुका सैडम का प्रशासक डॉक्टर कादर बात कर रहा हूँ। एमएम का जो कि त्रिपुरा का जो हादसा हुआ हो बहुत गलत बात है। 15-16 मजीद शहीद किए गए हैं, घर तबाह करे हैं, उसके हम मरम्मत करते हैं और सरकार से अपील करते हैं जो भी नुकसान हुआ हम उनसे अपील करते हैं उनकी भरपाई होना और जो भी नुकसान हुआ उनको पूरा मुआवजा दे देना। और जैसे ये शैतान का बच्चा रिजवी वसीम रिजवी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुफ्तगू करा उनको ऐसी सजा देना इंशाल्लाह मेरी अपील है सरकार से। फांसी के तख्ते पे लटकने की उसको सजा देने भी कम है। ये मेरी दो बात खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।